कॉलेज में एडमिशन के नाम पर ठगी, सोशल मीडिया पर छात्रों को फंसाता था गैंग, इंजीनियर बनाने के नाम पर करोड़ों का स्कैम। हर छात्र का सपना होता है कि उसे अपने पसंद के टॉप कॉलेज में पढ़ाई करने को मिले, लेकिन जब ऐसे छात्रों के सपने पर किसी की काली नज़र पड़ती है तो वो इनके सपनों का सौदा करना शुरू कर देता है और करोड़ों की ठगी को अंजाम देता है। ऐसी ही एक ठग गैंग के बारे में उत्तर प्रदेश के नोएडा से खबर सामने आई है। देश विदेश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन दिलाने के नाम पर इस गैंग ने देश भर में कम से कम 450 से ज़्यादा अधिक छात्र छात्राओं से करोड़ों रुपए की ठगी की। नोएडा पुलिस ने गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 युवती भी शामिल है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। करीब 1.5 साल से ये लोग प्रति छात्र से 6 से 10 लाख रुपए तक वसूल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5.6 करोड़ रुपए के पोस्टेड चेक, 3.90 लाख कैश, 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन और ठगी में इस्तेमाल की जा रही कार बरामद की है। आरोपियों की पहचान राहुल कुमार, अनुपम कुमार, दयानंद पांडे, सचिन सिंह, विदुषी लोहिया, निकिता उपाध्याय के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इंटरनेट, मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत, यूके और अमेरिका के प्रतिष्ठित कॉलेजों में कम रैंकिंग वाले छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश दिलाने के नाम पर उनसे ठगी की जाती थी। इन लोगों ने एक कार्यालय पुणे शहर में भी खोला हुआ है। गिरोह के सदस्यों ने इंस्टाग्राम के नेक्स्ट एजुकेशन, एड्रोप्रो, करियर कॉर्नर, गुरुकुल एजुकेशन कंसल्टेंसी, करियर प्लान, एडमिशन साथी नाम से अकाउंट बना रखे थे, जिन पर विज्ञापन भी प्रसारित करते थे। इसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क होने पर छात्र को कार्यालय में बुलाकर काउंसलिंग करते थे। इसमें देश विदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ ही अन्य व्यावसायिक शिक्षा देने वाले नामी कॉलेजों में पकड़ होने का दावा करते थे। कुछ छात्रों के प्रवेश दिलाने के फर्जी दस्तावेज भी दिखाए जाते थे। इसके बाद पैसे ऐटने ये शुरू कर देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।